चुटकी चुटकी, चलो उठो जल्दी, अलार्म बंद करो। अरे मम्मी थोड़ा सोने दो ना। बिल्कुल नहीं, चलो उठ जाओ। ओहो मम्मी आज तो छुट्टी है ना, सोने दो। नहीं आज महाशिवरात्रि है, हमें मंदिर जाना है, चलो चलो उठो जल्दी। मंदिर जाना है? मंदिर क्यों जाना है? आज के दिन मंदिर जाना होता है पूजा के लिए। मम्मी हर साल ही शिवरात्रि होती है, आज भी शिवरात्रि है, शिवरात्रि क्या होता है? चुटकी अब ज्यादा बातें मत करो, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें जल्दी निकलना है। ठीक है चलते हैं। ओम नमः संभवाय च मयूभवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च ओम हरि ओम। ओम नमः संभवाय च मयूभवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च ओम हरि। श्री रुद्राभिषेकम्। ओम नमो भगवते रुद्राय। जजमान अब गंगा स्नान कराइए। नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इषवे नमः। जजमान अभी आप भगवान को दूध का स्नान कराइए। अब भगवान की आरती करते हैं। मम्मी ये धतूरे का फूल तो जहरीला होता है ना, तो ये क्यों चढ़ाते हैं शिव जी पर, और ये बेलपत्र भी क्यों? चुटकी चुप। क्या हुआ बच्चे, क्या कह रहे हो आप मम्मी को? देखिए ना पंडित जी, ये आजकल के बच्चे ना बहुत प्रश्न करते रहते हैं, मैं तो तंग आ गई हूँ इनके प्रश्नों से। क्यों क्या हुआ चुटकी, सब ठीक है ना? पंडित जी मैं सोच रही हूँ क्या शिवजी ही सबसे श्रेष्ठ है? इस पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, दो भिखारी भीख मांग रहे थे, चलो देखते हैं क्या हुआ। तुझको
रखे राम तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। अब इस राजा की शान और शौकत देख भिखारी क्या सोचते हैं? अरे अरे सुन, ये राजा इतना धनवान कैसे बन गया? और इसको इतना धनवान बनाया किसने? ये शान, ये शौकत, अरे अरे बचवा देखी तुमने? अब तो ये भिखारी सोच में पड़ गए कि आखिर देने वाला कौन है। तो ये राजा हनुमान जी के मंदिर में, अच्छा ये हनुमान जी से मांगता है। अच्छा राजा हनुमान जी के मंदिर में आ गया, इसका मतलब ये राजा को राजा ही हनुमान जी ने दी है। अब इसका सीक्रेट मुझे पता लग गया। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात हम, हंसत जात अरे। एक चतुर नार बड़ी होशियार। इस राजा ने तो हमें कंफ्यूज कर दिया यार। पहले ये हनुमान जी के मंदिर में थे, और ये हनुमान जी राम जी के मंदिर में। ओ ये सीक्रेट है। अरे बचवा देखा तुमने? जग में सचो तेरो नाम, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए, चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। हैं श्री राम और शंकर जी? नो 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 नो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आई बात समझ में कि रामेश्वर का मतलब होता है राम के भी ईश्वर, यानी देवों के देव महादेव, जिनका ध्यान केवल मनुष्य ही नहीं देवताएं भी करते हैं। ओ, तो ये बात है। शुक्रिया पंडित जी, अच्छा हुआ आपने हमें ये सारी बातें स्पष्ट करा दी। तो अच्छा मैं चलूं? प्रणाम, ओम नमः शिवाय। अरे बच्ची, पंडित जी को दक्षिणा दिए बगैर ही जा रही हो? अरे अरे माफ करना, भूल गई थी, ये लीजिए।
है तू सर्वोत्तम है सर्वोच्च है तू सर्वोत्तम है तू ही तो शक्तिवान है तू ही तो शक्तिवान है ना कंकड़ में ना पत्थर में ना कंकड़ में ना पत्थर में तेरा धाम परम आसमान है तेरा धाम परम आसमान है सर्वोच्च है तू सर्वोत्तम है अगर शिव जी ही सबसे उच्च हैं, तो वे तपस्या में ध्यान किसका कर रहे हैं? अरे फातिमा, कितने दिनों बाद मिली हो, कैसी हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप सब कैसे हैं? और हमारी प्यारी छुटकी कैसी है? कैसी चल रही है बेटा पढ़ाई? अच्छी चल रही है पढ़ाई आंटी जी। सर्व पर्व में पर्व महान, शिव जयंती है सबसे महान। शिव सबके भाग्य जगाते, शिव से जोड़ लो दिल के नाते। सर्व पर्व में पर्व महान, शिव जयंती है सबसे महान। शिव सबके भाग्य जगाते, शिव से जोड़ लो दिल के नाते। अरे ये क्या है, क्या है ये आंटी? हाँ चलो चलो चल करके देखते हैं। नमस्ते, आइए आइए। दीदी जी अभी हम मंदिर जाकर आए, वहाँ हमने देखा कि शंकर जी ध्यान में बैठे हुए थे, तो वो किसका ध्यान कर रहे हैं? अरे वाह, आप तो बहुत सयाने बच्चे हो। आज मैं आपको इसी के बारे में बताती हूँ कि शंकर जी शिव परमात्मा के ध्यान में बैठे हुए हैं। तो क्या शिव जी और शंकर जी अलग अलग हैं? हाँ बच्ची, शिव और शंकर अलग अलग हैं। हमने आज तक यही तो भूल की जो दोनों को एक कर दिया। शिव जी अलग और शंकर जी भी अलग हैं? सच्ची? हाँ दीदी, यह तो हम पहली बार सुन रहे हैं। आपका प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है बहन जी, पर जैसे हम कहते हैं राधा कृष्ण राम सीता, पर राधा अलग और श्री कृष्ण अलग, राम जी अलग और सीता मैया अलग, उसी प्रकार भले हम कहते हैं साथ में, पर शिव भी अलग है और शंकर जी भी अलग हैं। क्या शिव जी और शंकर जी अलग अलग है? इसी अंतर को हम विस्तार से समझते हैं। शिव जी के लिए कहते हैं शिव परमात्माए नमः, लेकिन शंकर जी के लिए कहते हैं शंकर देवताए नमः। शंकर जी के लिए कभी परमात्माए नमः नहीं कह सकते। शिव तो रचता है और शंकर जी उनकी रचना है। शिव कल्याणकारी है, शंकर जी तो विनाशकारी हैं। शिव अशरीरी हैं, जिनका अपना कोई शरीर नहीं है, वे निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हैं। अरे शंकर जी का तो शरीर है। शंकर जी सूक्ष्म शरीरधारी हैं। शंकर जी तो योगी है। शिव परमात्मा योगेश्वर हैं, जो योग करने की शिक्षा देते हैं। शंकर जी तो स्वयं योगी तपस्वी हैं। लेकिन हम तो पूजा करते हैं। दीदी दीदी मैं बोलूं? बोलूं? हम तो दूध चढ़ाते हैं। देखिए दूध सफेद होता है, पवित्र माना जाता है। दूध का सफेद रंग किसी चीज का प्रतीक है। दूध का अर्थ है अपने चरित्र को साफ और स्वच्छ बनाना, अपने अंदर शुद्धता को भरना। अच्छा, तो हमें अपने चरित्र को शुद्ध करना था। और दीदी पानी भी चढ़ाते हैं। तो पानी का गुण होता है शीतलता, पानी ठंडक देता है।
क्या हम एक दूसरे के साथ शांतिमय व्यवहार करते हैं? और तो और, क्या हम खुद भी शांति में रहते हैं? अरे कितनी अशांति है दीदी, काहे की शांति। तो आज हम जल चढ़ाते हैं तो जल जैसा शांत और शीतल हमें स्वयं को बनाना था। अच्छा, तो हमें शांत रहना था। अक का फूल क्यों चढ़ाते हैं? वह तो जहरीला होता है। हम शिव जी पर अक का फूल चढ़ाते हैं। वो वैसे किसी देवी देवता पर नहीं चढ़ाया जाता है, पर शिव परमात्मा उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि शिव परमात्मा कहते हैं, अपनी कमी कमजोरियों विकारों को मुझ पर अर्पित कर दो। तो वो तो हमने किया नहीं और अक का फूल चढ़ाना शुरू कर दिया। अरे वह धतूरे का फल तो कांटे वाला होता है, जहरीला होता है, वह क्यों चढ़ाते हैं? वैसे देखा जाए तो कांटे हमारे अंदर भी हैं। हमारे अंदर के अवगुण, एक दूसरे को दुख देना, यह भी तो कांटे हैं। बिल्कुल सही कहा दीदी जी आपने। तो शिव परमात्मा कहते हैं, अपने अंदर अवगुण रूपी कांटे मुझे अर्पण कर दो, किसी को दुख मत दो। और वो छोड़कर हमने शिवलिंग पर ही धतूरे का फल चढ़ाना शुरू कर दिया। अरे अरे, वो तीन पत्तों वाला पत्ता भी चढ़ाते हैं। अरे वो बेलपत्र होता है। बेलपत्र की विशेषता है कि उसमें तीन पत्ते होते हैं, अर्थात मन, बुद्धि और संस्कारों से अर्पित होना है। इसी में हमारा सत्य परिचय छिपा है कि हम ये विनाशी शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हैं, पॉइंट ऑफ लाइट हैं। और वास्तव में हमें मन, बुद्धि और संस्कारों से अर्पण होना था, तो वो तो हमने किया नहीं और तीन पत्तों वाला बेलपत्र चढ़ाना शुरू कर दिया। दीदी, आपने इतने सारे रहस्य बताए, तो शिवलिंग के ऊपर जो तीन रेखाएं होती हैं उनका भी कोई रहस्य होता होगा। हाँ, इन तीन रेखाओं का भी बहुत सुंदर रहस्य है। परमात्मा शिव, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन तीन देवताओं के रचयिता हैं। उसका प्रतीक ये तीन रेखाएं हैं। इसके बीच में तो एक बिंदु है, वो क्या है दीदी? बिंदु प्रकाश स्वरूप परमात्मा का प्रतीक है। हाँ दीदी जी, हमारे धर्म में भी उस परवरदिगार को, उस अल्लाह को नूर ही कहते हैं। आज हमने सही रहस्य को जाना दीदी जी, धन्यवाद। धन्यवाद दीदी जी। तो क्या दीदी, सबका भगवान एक ही है? हाँ बच्ची, सबका भगवान एक ही है, इसीलिए तो कहते हैं गॉड इज वन। तो इतने सारे धर्म क्यों आए? जो भी धर्म स्थापक आए, हमें शांति और सुख का रास्ता बताने आए, हमें हमारी पहचान और भगवान की याद दिलाने के लिए आए। जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब आए और अल्लाह नूर है यह संदेश हमें दिया। गौतम बुद्ध जी आए, उन्होंने हमें सद्भावना का महत्व सिखाया। शरणं गच्छामि।
जीसस क्राइस्ट आए और हमें भगवान की शिक्षाओं पर चलना सिखाया। उन्होंने भी कहा, गॉड इज लाइट, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड। सब धर्मस्थापक हमें भगवान से जोड़ने के लिए आए थे, लेकिन हम उनसे ही जुड़ते गए। पवित्रता, सत्यता, प्यार, हमारा स्वधर्म वह हमें याद दिला रहे थे, लेकिन हम धर्म बनाने लगे। वो हमारी एकता को बढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन हम धर्म, राज्य, संस्कृति, भाषा के आधार पर एक दूसरे से दूर होते गए। उनकी शिक्षाएं एक थी, लेकिन हम शिक्षक से जुड़ने के कारण अलग अलग मान्यताओं में बट गए। बहुत ही अच्छा ज्ञान सुनाया दीदी जी आपने तो। इस ज्ञान को अच्छे से समझना है तो जरूर हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आना। थैंक यू दीदी, थैंक यू। धन्यवाद दीदी जी, हम जरूर आएंगे। हाँ हाँ, जरूर आना इंशाल्लाह। शुक्रिया दीदी जी, हम जरूर आएंगे। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुकून और कितनी रूहानियत है यहाँ पर। हाँ, बहुत ही शांत वातावरण है। आइए आइए, बैठिए। दीदी जी, हमने शिवरात्रि के दिन मंदिर में प्रदर्शनी सुनी, हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं इस ज्ञान को हम और अच्छे से समझें। जरूर जरूर, क्यों नहीं। हाँ, आज तक कितने अंधेरे में हम थे, जो ना अपने आप को जानते थे ना खुदा को जानते थे। हाँ दीदी, मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए, पर मेरा एक सवाल का जवाब नहीं मिला। कौन सा सवाल है बताओ। भगवान तो लाइट है, तो क्या हम कभी भी उससे नहीं मिल सकते। हाँ जरूर, भगवान से मिल सकते हैं। उसके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि भगवान कब और कैसे आते हैं। तो क्या भगवान आते हैं। हाँ, गीता के वचनों अनुसार भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है,
अपने बच्चों से मिलने के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। इस वायदे के अनुसार जब जब धर्म की ग्लानी होती है तब परमात्मा साधारण बूढ़े तन में आते हैं। वो कौन है दीदी जी? आपको मैं एक सत्य कहानी सुनाती हूँ। सिंध प्रांत में 15 दिसंबर 1876 में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया था। बालक बचपन से ही संस्कारी और दिव्य गुणों से भरपूर था। उनका नाम था लेखराज कृपलानी और अपने कुशाग्र बुद्धि, ईमानदारी और परख शक्ति के कारण वो भारत का नामी ग्रामी जौहरी बन गया। उस जमाने के राजा महाराजाओं के परिवार के गहने दादा लेखराज जी बनाते थे। वे विष्णु के परम भक्त थे। गीता का पाठ किए बिगर पानी तक ग्रहण नहीं करते थे। ओह, इतनी कड़ी तपस्या! भगवान की खोज में उन्होंने 12 गुरु किए थे। एक बार उनके 12वें गुरु का प्रवचन चल रहा था और वो बीच से उठकर अपने कमरे में चले गए। उनकी बहू सोचने लगी, दादा तो अपने गुरुओं का बहुत आदर करते हैं, वे बीच में उठकर क्यों चले गए? वो भी पीछे पीछे चली गई तो उसने क्या देखा? तो क्या देखा दीदी? उसने देखा पूरा कमरा लाल प्रकाश से प्रकाशित हुआ था। आंखें लाल हो गई थी। दिव्य शक्ति का अनुभव हो रहा था। मुख से उच्चारण हुआ, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। फिर क्या हुआ? दादा में परमात्मा का दिव्य अवतरण हुआ। परमात्मा के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार किया और उनमें दिव्य परिवर्तन आने लगा। उनको नित नए साक्षात्कार होने लगे। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का महाविनाश का साक्षात्कार हुआ। ये नई दुनिया क्या है? मतलब न्यू बिल्डिंग्स, मॉल्स, गार्डन्स, सब नया बन जाएगा क्या? नहीं नहीं, नई दुनिया उसका मतलब है जिसे हम बहिष्ट, हेविन और स्वर्ग कहते हैं। कब बनेगी दीदी ये दुनिया बहिष्ट? उसी के लिए तो परमात्मा अभी इस धरा पर आ चुके हैं। आकर 87 साल हो गए। ओ, तो इतने साल हो गए, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अभी भी समय है। सुख शांति पवित्रता का वर्षा अपने परम पिता से ले लो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दीदी? आपको रोज 1 घंटा 7 दिन कोर्स करना पड़ेगा। दीदी, उसकी फीस कितनी होगी? आपका समय ही आपकी फीस है। धन्यवाद दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार ले लिया, अब आपकी बारी है। अपने नजदीकी सेवा केंद्र पर जाकर 7 दिवसीय राजयोग कोर्स जरूर कीजिए। ओम शांति।